वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले दो दिन तक हो जाइए सावधान। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, एक बड़ी घटना का संकेत मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना के बारे में सुनकर सबकी हवा टाइट होने वाली है। समय रहते हो जाइए सावधान, नहीं तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी एक छोटी सी गलती ही आपके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आज की यह पूरी वीडियो खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। आने वाले अगले दो दिन तक आपको अपनी आंखों को खुला रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा कांड भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले दो दिन आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व अन्य सभी स्तरों पर हमें क्या क्या असर देखने को मिलेगा वृश्चिक राशि वालों, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से उपाय करनी है, ताकि दोस्तों इन खतरों से आप कोसों दूर रह सकें और यह सभी चीजें आप पर हावी ना हो पाए। देखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी सावधानियां आपको बहुत बड़े खतरों से बचा सकती है, वहीं दूसरी ओर आपकी लापरवाही और आपकी थोड़ी सी नादानियां आपको बहुत बड़े खतरों में डाल सकती है। अगर आप यह समझ लेंगे कि अभी क्या करना हमारे लिए सही है और क्या करना हमारे लिए सही नहीं है, तो आने वाले समय में कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आपको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के ग्रह गोचर का कुछ खास डिमांड है कि आप जितना सतर्क रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले सभी राम भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार के साथ। देखिए दोस्तों, पानी को हम कितना ही गर्म क्यों ना कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पुनः ठंडा हो ही जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान का गुस्सा कितना ही तेज क्यों ना हो, हमारे अंदर कितनी भी तेज गुस्सा क्यों ना आ जाए, हम कितनी भी हाई पावर क्यों ना हो जाएं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा वह गुस्सा शांत हो ही जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस गुस्से की अवस्था में किसी को भी भला बुरा या किसी को भी अपमानित ना कर दें, क्योंकि गुस्सा बस थोड़े समय के लिए ही होता है और भुगतना जिंदगी भर पड़ता है। बस ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। बात अगर आपको समझ आई हो और इन बातों से अगर आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों की। दोस्तों यह समय कोई भी फैसला लेते समय दिल की अपेक्षा दिमाग से लें, इससे आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। पारिवारिक गतिविधियों में भी काफी ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि लेने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार आएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो यह समय दूसरों की गतिविधियों में दखल अंदाजी करने की बजाय आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें, तो ये आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, सरकारी कार्यों में लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें तथा समय अनुसार पूरे कर लें, अन्यथा पेनल्टी लग सकता है या आपके ऊपर कोई जो है कार्यवाही किया जा सकता है, इस बात का अभी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, घर में अनुशासन और उचित व्यस्तता बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा, साथ ही आप अपनी कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाएंगे, जिससे आपको उचित उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। वहीं दोस्तों, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात का अभी आपको जरा ध्यान रखना होगा। कभी कभी निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, ऐसे समय में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य ले लें। अगर कोई आपके घर में एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है,
तो उनका मार्गदर्शन लेना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वो जो है किए हैं उन्हें पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी जो अनजान व्यक्ति से अभी आप ज़्यादा मेल मिलाप ना रखें, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। परिवर्तन संबंधित किसी भी गतिविधियों को जो है स्थगित रखना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि दोस्तों समय और ग्रह सितारे दोनों ही संकेत कर रहे हैं, जितना ही सावधान और सतर्क रहिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यह समय आत्ममंथन और चिंतन करने का है। दूसरों की गतिविधियों और दूसरों की गलतियों पर अभी आप ध्यान देने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें तो आपको कोई नकनीक जो है तई और हुनर भी हासिल हो सकती है। किसी भी कार्य में करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाएं और उसके बाद ही क्रियान्वित करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यर्थ की आवाजाही में समय और पैसा की बर्बादी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप अपने व्यक्तिगत काम पर ही अटक जाएंगे और कुछ समय बच्चों की समस्याओं को समझने और सुलझाने में ही जरूर लगाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे। अगर आप इस समय यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को थोड़ा स्थगित रखिएगा, क्योंकि गाड़ी वाहन खराब होने की संभावना या फिर छोटी मोटी दुर्घटना होने की संभावनाएं बन रही है। ऐसे में दोस्तों आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। वहीं दोस्तों वाद विवाद की स्थिति पनप सकती है। अगर कोई झगड़ा कोई मामला पहले से था तो वह भी उस समय उठ सकता है, ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो तरक्की है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों पुराना विवाद पुनः जो है उभर सकता है, इस बात का ज़रा भी ध्यान रखिएगा और जितना हो सके सावधान और सतर्क रहने का प्रयास करें तो अभी आपके लिए उचित रहेगा। आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए संयुक्त परिवार में व्यस्तता को लेकर कुछ तनाव रहेगा। किसी पारिवारिक हादसे के स्वास्थ्य की वजह से कोई भी महत्वपूर्ण काम भी स्थगित करना आपके लिए पड़ सकता है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को ध्यान ना देकर अपने कार्यों पर ही जो है मस्त रहें, उसी में आप व्यस्त रहें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी आपके हस्तक्षेप की वजह से घर के जो है सदस्य परेशान भी हो सकते हैं। अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखना अभी आपके लिए बेहद जरूरी है। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाएं, अन्यथा बजट आपका बिगड़ भी सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए विवाहित जीवन में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। अपने लव पार्टनर के साथ मूवी अथवा लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन इस पर अभी आपको जो है स्थगित रखना होगा, क्योंकि खासकर जो है आपके लिए यात्रा करने के लिए शुभ समय अभी नहीं है, आपको घर पर ही समय व्यतीत करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों पारिवारिक वातावरण व्यवस्थित बनाए रखें और बाहरी गतिविधियों का हस्तक्षेप अपने दाम्पत्य जीवन पर ना होने दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधित जांच नियमित रूप से करवाते रहें, यही आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा।